और आप देख सकते हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जितनी कवायदें निर्वाचन आयोग को करनी चाहिए थी वो सब तमाम तरह की कवायदें की गई। पिंक बूथ बनाए गए, आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए, छाछ लस्सी की व्यवस्था की गई, इनामी ड्राइव योजना की गई। बावजूद उसके जो अचीवमेंट आना चाहिए था निर्वाचन आयोग का वो शायद नहीं आ पाया, क्योंकि जो पिछली बार का मतदान था लोकसभा का वो 80% से ज्यादा का इस विधानसभा क्षेत्र में गया था। लेकिन इस बार का अगर एवरेज अगर देखा जाए, हालांकि आधिकारिक आंकड़ा अभी आना बाकी है, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 75% के आसपास का मतदान जो है आगरमालवा विधानसभा क्षेत्र में आया है, जो कि देवास लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ लोग हैं चर्चा करने के लिए मौजूद, वरिष्ठ पत्रकार बसंत गुप्ता जी। सर, आप काफी सालों से राजनीति को कवर करते रहे, क्या वजह रहा है मतदान का जो 5% का लॉस है? 5% के लॉस का वजह यह है कि इस बार गर्मी के कारण और राजनीतिक दलों के द्वारा प्रदर्शन प्रचार की कमी रही, जिससे चुनाव का माहौल नहीं बना। बावजूद मतदान अच्छा हुआ है, हालांकि पिछले वर्ष इस विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव 2019 में 80.22% मत डले थे। अभी तक के आंकड़े के अनुसार लगभग 75% आधिकारिक तो नहीं कह सकते, बाकी 75% मतदान हुआ है। तो राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो बेहद कम हुई, आपका कहना है? राजनीतिक गतिविधियां प्रदर्शन की दृष्टि से बेहद कमजोर हुई। अब जमीन पे जिन दलों ने बूथ लेवल पे ध्यान दिया है और बूथ लेवल पे अधिक काम हुआ है, साइलेंट है जो मतलब प्रचार हुआ, एक कारण ये। और दूसरा, इसमें कोई दो मत नहीं कि उत्साह नहीं होने के बावजूद भी जो स्वीप अभियान जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर चलाया गया इस जिले में और इस आगर में, निश्चित ही ये प्रतिशत जो 75 आया है इसमें भी है जो मतलब प्रशासन भी एक बहुत बड़ा सहायक कारण है। तो स्वीप अभियान की गतिविधियों के माध्यम से 75% तक यह पहुंच पाया, हालांकि राजनीतिक गतिविधियां इतनी नहीं थी, राजनीतिक लोग भी हमारे साथ जुड़ गए। आपने काफी लोग मेहनत की होगी, निश्चित तौर पर बताया कि जो मैदान पे राजनीतिक गतिविधियां नहीं हो पाई थी, तो आप क्या मानते हैं ये जो माइनस है 5% का किस तरह से आपको प्रभावित करेगा? नहीं, हमको प्रभावित करने का कोई कारण बनता ही नहीं है, क्योंकि हमने डोर टू डोर मैन टू मैन संपर्क किया है और काफी कॉन्फिडेंट है हम कि हम बहुत बड़ी विजय हासिल करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी विजय हासिल करेगी और उसमें कहीं ना कहीं हताशा कांग्रेस के अंदर दिखती है कि वो लोग जानते हैं कि जब हम अपना क्लीन स्वीप होने वाला है तो कई वोटर ऐसे हैं जो पारंपरिक कांग्रेस थे, उन्होंने वोट नहीं डाला है। ये भी एक कारण है, गर्मी भी एक कारण है, लेकिन उसके साथ में एक बड़ा कारण है कांग्रेस हताश होकर अपना वोट नहीं डाल पाई। तो एक पक्ष ये कह रहा है कि कांग्रेस की हताशा के कारण जो उनका वोट था वो नहीं डाल पाए, और भी कुछ लोग हैं। सर, आप क्या मानते हैं कि वोट परसेंटेज जो लॉस हुआ, क्या वजह है इसकी? देखो, ऐसा है, लोगों ने अंतरात्मा का चुनाव है, ये अंतरात्मा से वोट दिए हैं। बीजेपी ने सबको जागरूक किया है और कांग्रेस वो काम नहीं कर पाई, कांग्रेस पहले से हार मान चुकी थी। पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन गया था और लोगों ने मान लिया है कि मोदी दबे। आप क्या मानते हैं ये आज की स्थिति में मोदी जी को आना तय है और हम जीते, लेकिन वोट परसेंटेज लॉस हुआ? वोट परसेंटेज इसलिए है कि कुछ लोग बाहर भी हैं और जो है यहाँ पर हमारे हिसाब से काफी है। तो वोट परसेंटेज लॉस होने के सबके अपने अपने तर्क है, लेकिन बावजूद उसके अगर एक उल्लेखनीय बात की जाए तो निश्चित तौर पे जो माहौल है यहाँ पे देखा जा सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता उसको लेके भी उत्साहित है कि जो वोट परसेंटेज कम हुआ वो कांग्रेस का कम हुआ जबकि बीजेपी का नहीं हुआ। और दूसरा पक्ष जो विश्लेषण की अगर बात की जाए, जैसे कि पत्रकारिता के जो लोग जुड़े हुए हैं 35-40 साल से, जो लोग उन्होंने हमको बताया स्वीप की जो गतिविधियां थी वो लोगों तक पहुंची, इसकी वजह से इतनी गर्मी के बावजूद भी लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, एनडीटीवी।